हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। दोस्तों, कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी, क्यों है ट्विन फ्लेम जर्नी। हम बहुत सारे नॉलेज इधर से उधर से लेते हैं, लेकिन एकदम एंड रिजल्ट में नहीं पहुंचते। मतलब क्यों है, क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे ऊपर से ये पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होते क्यों हैं। अच्छा, आज के धरती पर जो हम लोग हैं, हम लोग आए क्यों हैं, क्या कारण है, युग परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये सारे लोग क्यों आए हैं। मतलब कॉन्शियसनेस लेवल, रावण के कॉन्शियसनेस लेवल, तो उनका कॉन्शियसनेस लेवल, वो आज के डेट में ऐसा कौन सा काम कर रहे होंगे, है ना। जो दानवीर करण के कॉन्शियसनेस लेवल, अगर वो जन्म लिए है, या उनके 12th स्टैंडर्ड DNA करके स्प्लिट हुआ है, वो भी तो मोनेट सेल्फ बने हैं ना काम करके, तो उनके अगर बने हैं तो उनके एक एक पार्ट क्या क्या काम कर रहे होंगे, है ना। ये द्रौपदी थी कौन, क्यों आई अग्निकन्या बन के, अर्जुन कौन थे, उनके पिछले पिछले जन्म में वो क्या काम किए थे, क्या कार्य किए थे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन के मेरे अंदर तो एक समुद्र मंथन चल ही रहे थे। तो फिर और क्या, रिसर्च स्टार्ट, बातचीत शुरू, क्योंकि द्रौपदी और अर्जुन तक तो पता चला, बाकी भी तो बहुत सारे चीज़ें जानना था। तो आज हम टोटल डिस्कस करेंगे कि ये युग परिवर्तन, और आइडिया लगाएंगे कि लोग कौन, लोग कैसे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्शियसनेस लेवल, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनना, एक कहानी की तरह ही बताऊंगी, और आप सबको अच्छा लगेगा भी, और आशा करती हूँ समझ में आएगा भी। बाकी जो क्वेश्चन आंसर चलते हैं हम लोगों का, वो तो चलते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं द्रौपदी। जी हाँ, ये महाभारत में इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर द्रौपदी, एक पूरे थियोरी को ही चेंज कर दिया, पूरे दिमाग के जो सोच होते हैं वो चेंज कर दिया, कि एक नारी 5 पुरुष के स्त्री, है ना। और बहुत बड़ा महाभारत के कारण भी बनी, क्योंकि श्री कृष्ण और द्रौपदी मिलके जो कर्म किया उससे धर्म की स्थापना हुई। तो दोनों एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर बनके पूरे काम को अंजाम दिए। क्यों? क्योंकि ऐसे असुर पनप रहे थे कि वो अगर और शक्तिशाली होते जाते तो क्या होता, सृष्टि में सिर्फ असुर ही असुर, बुराइयाँ ही बुराइयाँ, अच्छाइयाँ तो होते ही नहीं, तो मतलब सृष्टि के विनाश अनिवार्य था। तो इसलिए बैलेंस रखने के लिए नारायण को बार बार रूप धारण करना पड़ता है, और सृष्टि को बैलेंस में लेके चलना पड़ता है। अब द्रौपदी कौन थी, क्यों आई, और उनको 5 पतियों के पत्नी होने के बावजूद भी सती के खिताब मिला हुआ है कि वो सती थी, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ओके, तो हम फिर आगे जाते हैं उनके जर्नी के शुरुआत। जैसे हम सभी जानते हैं, हर कोई सोर्स से पैदा होते हैं। जैसे हम लास्ट वीडियो में परम ब्रह्म के बारे में बात किया था, तो वहाँ से जो तत्व होते हैं, वो तत्व आते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे महाशिव, महाविष्णु, इस तरीके से फिर सृष्टि में आते हैं, फिर वहाँ से काली माँ, दुर्गा माँ, सबके अंश लेके, जैसे बोलते हैं ना माता लक्ष्मी के एसेंस, तो संपूर्ण जैसे शिव शक्ति के अंश, राधा कृष्ण के अंश, ऐसा करके बूंद बूंद दे के एक संपूर्ण इंसान को बनाया जाता है, ठीक है। उसमें देखना सर्वगुण संपूर्णा, अच्छी बेटी भी बनती है, अच्छी माँ भी बनती है, ममतामय भी होती है, और गुस्सा दिला दो तो चंडी रूप भी धारण कर लेती है। तो सारे क्वालिटीज देके एक इंसान धरती पर जन्म लेते हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन क्वालिटीज का कैसे उपयोग करे, सदुपयोग करे या वेस्ट कर दे। तो वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कॉन्सियसनेस, उस सोल के, उस चेतना के ऊपर, ठीक है। तो अभी पॉइंट पे आते हैं
कि ये द्रौपदी कौन थी। जैसे भगवान जी के प्योर सोल हुए, भूमिष्ठ हुए, यानी इंसान के जीवन पाए, तो एक कन्या जन्म ली थी। पिता जो है बहुत बड़े ऋषि थे और माता नॉर्मल गृहस्थी संभालती थी, ऋषि की पत्नी। वो जो कन्या हुई थी उसका नाम हुआ था वेदवती। वेदवती क्यों? क्योंकि वो जन्म के बाद ही बहुत वेदों का ज्ञान और सब कुछ इतने अच्छे से सीख रही थी, सीख गई थी पूरा, तो ज्ञानवती थी, तो इसलिए उसका नाम था वेदवती। तो वेदवती के जो पिता ऋषि बोलते थे, कन्या तुमको ना शादी नारायण से ही करना है, आपकी शादी नारायण से ही कराएंगे। तो उसको बचपन से था कि मुझे शादी, पिता जानते हैं कि मेरे शादी नारायण से ही होंगे। रावण के उस टाइम पे शासन चल रहा था, तो रावण ने क्या किया, वेदवती के जो पिता थे उनको कुछ हानि पहुंचाए, किसी भी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, वो जलने लगे। तो उनको जलते हुए देख के वेदवती की जो माता थी वो भी जाके उसी अग्नि में समाहित हुई। तो वेदवती एकदम अकेली हो गई, छोटी बच्ची, भले उनको वेद का ज्ञान था और उनके दिमाग में था कि मुझे नारायण से शादी करनी है। तो वो रोते रोते चली गई तपस्या करने, ये बहुत सुंदर थी, तो बैठे बैठे तपस्या करने लगी, रोने लगी। माता आई, माता शक्ति, उसे दर्शन दी, बोले पुत्री तुम रो मत, तुम माता लक्ष्मी के ही अंश हो और तुम्हें बहुत अच्छे से अभी जर्नी करना है, बहुत कुछ सीखना है पुत्री, तुम रो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसा आश्वासन दिया और बोला आप अपना कार्य करो और जैसे जैसे सिचुएशन आएंगे उसका सामना करते आगे बढ़ते जाओ। तो वो ध्यान में लीन रही, तो एक दिन रावण की दृष्टि पड़ गया उसके ऊपर, तो बोले इतने सुंदर कन्या, चलो जाते हैं। जाके बोले हे कन्या, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो वो आँख खोल के एकदम गुस्सा हो गई, बोली मैं नारायण की ध्यान कर रही हूँ, मैं नारायण को अपने आप को समर्पण कर चुकी हूँ, मैं नारायण से शादी करूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है करके ज़बरदस्ती करने के, क्योंकि रावण थे। वेदवती को गुस्सा आया, तो वेदवती बोले मैं श्राप देती हूँ कि मेरे ही कारण तेरी मृत्यु होगी, और खुद को भस्म कर लेती। तो रावण की वो इच्छा अधूरा रह जाता, वो कुछ नहीं कर पाते। नेक्स्ट लाइफ में यानी त्रेता युग में जब माता सीता यानी महालक्ष्मी माता और श्री राम जी आए, तो इनको क्या था, श्री राम जी को पता था कि इनका मेन उद्देश्य रावण का विनाश है, करना है, तो उस हिसाब से संरचना बनी थी। अब जैसे सिचुएशन बने थे, जो स्क्रिप्टिंग था, अकॉर्डिंग टू दैट ये वनवास गए 14 साल के लिए और सीता हरण के समय आ गए। तो जैसे ही ऐसे सिचुएशन आए तो अग्निदेव आके बोले हे श्री राम, अभी तो माता सीता के हरण के समय है, तो जैसे हमारे प्लान था तो छाया सीता हमारे पास है, तो उनको हम एक्सचेंज कर लेते हैं माता सीता से। तो लक्ष्मण को भी इस बात का फनक तक नहीं था। तो अग्निदेव ने क्या किया, माता सीता को, लक्ष्मी माता को लेके गए अग्निदेव और धरती माँ पे, पाताल लोक पे लेके जाके उनके पत्नी के पास सुरक्षित रख दिए, छुपा लिए। और उनके जगह जैसे सीता माता के अंगूठी और ये समस्त गहने देके छाया सीता को कुटीर में बिठा दिए। वैसे रूपपति तो वो भी थी, तो बन के बैठे। अब रावण आए, भिक्षांग देही माता बोले, तो छाया सीता देने गई भिक्षा। तो छाया सीता भिक्षा देने गई तो ऑलरेडी लक्ष्मण जी वो लक्ष्मण रेखा काट के गए थे, तो वो बाहर गई, था ये स्क्रिप्टिंग तो करना ही था, और पकड़ के लेके गए रावण। छाया सीता यानी वेदवती, तो वेदवती को ही रावण ने देखा था, वेदवती के लिए ही उनके सपने थे, चाहत थे, मतलब किडनैप करके जो बोलते हैं बिठा के रखे। तो ये माता सीता नहीं थी, ये छाया सीता थी। अब ये बैठी रही, फिर अकॉर्डिंग टू प्लान श्री राम जी जाते हैं लंका, और उससे पहले छाया सीता ने हनुमान जी को अंगूठी दिया, उनको आश्वासन दो श्री राम को। और इस तरीके से सिचुएशन चलते गए, रावण वध हो गए,
उसके बाद जब अग्नि परीक्षा के समय आए, अग्नि परीक्षा का कारण भी था क्योंकि अग्निदेव ने माता सीता को छुपाए थे, तो छाया सीता गई और अग्नि में समाहित हुई। छाया सीता की जगह माता सीता आविर्भाव होकर बाहर आई। तो इस तरह से लोगों को समझ में आया कि अग्नि परीक्षा में माता सीता तो सावित्री सती है, इसका प्रूफ हो गया। लेकिन छाया सीता को अग्निदेव में फिर से वापस जाना और माता सीता को श्री राम के पास वापस आना, ये एक माया या जो भी बोल सकते हो, इस तरह से एक्सचेंज हो गए दोनों। तो होने के बाद माता सीता को लेके चले गए राम जी अयोध्या वापस। तो छाया सीता बोली, प्रभु मुझे क्या मिला, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मैं तो आपके काम में आपका साथ दी, मेरा क्या। तो श्री राम जी बोले, मैं द्रौपर युग में फिर आऊँगा, तुमने जैसे मेरा साथ दिया मैं भी हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। छाया सीता फिर से जन्म मृत्यु तो होते रहे। तो किसी जन्म में वो एक कन्या थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी, तो बहुत परेशान थी, तो बोले शिव जी का तप करेंगे तो उसको अच्छे पति प्राप्त होंगे। तो वो शिव जी का तप करने बैठ गई, तो ऐसे तप करने बैठी कि 1600 साल तक वो ओम नमः शिवाय का जप करती रही। ठीक है, 1600 साल के बाद शिव जी आए, दर्शन दिए। अच्छा, जब वो प्रे कर रही थी उस टाइम पे उसने मांग लिया था क्या, कि मुझे पति का वरदान चाहिए, एक ऐसा पति जो श्री राम के तुल्य धनुर्धर हो, एक ऐसा पति जो सत्य के सारथी हो, सत्य के साथ रहे, धर्म के साथ रहे, एक ऐसा पति जो बहुत बलवान हो, 100 हाथियों का शक्ति हो जिसमें, एक ऐसा पति जो इतना सुंदर कि कामदेव से तुलना हो उनकी, एक ऐसा पति जिसमें बहुत ज्ञान रहे, चिकित्सा शास्त्र का भी नॉलेज रहे और पेशेंस वाला, मतलब ऐसे संपूर्ण गुण वाले पति उन्हें चाहिए। तो शिव जी प्रकट हुए, बोले पुत्र तथास्तु, पर आपने जो मांगा ये एक जन्म में पॉसिबल नहीं है, एक जन्म में ये सारे गुण नहीं होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि बजरंगबली बहुत शक्तिशाली है लेकिन वो धनुर्धर नहीं है श्री राम जी के जैसे। तो अगर बहुत पावरफुल भी होगा तो भी, मतलब शिव जी और नारायण के स्वयं अवतार है, वो भी सारे गुण संपूर्ण होके नहीं आ पाते। तो द्रौपदी के मांग के अनुसार एक इंसान में ऐसे सारे गुण देना इम्पॉसिबल है, धरती पर तो इम्पॉसिबल है। तो वो हट करने लगी, नहीं मुझे पति 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 चाहिए, तो 5 बार बोल दी पति पति। तो शिव जी ने बोला, ठीक है तथास्तु, संपूर्ण तुम्हारे जो इच्छा है उसके साथ 5 पति अवश्य प्राप्त होंगे। तो द्रौपदी तो परेशान हो गई, बोले हे पिता, मैंने तो पति मांगा, आप मुझे 5 पति का वरदान दे रहे हो, ये तो मेरे लिए श्राप बन जाएगा। तो बोले, अब तो हमने बोल दिया, कुछ नहीं कर सकते पुत्री, तो इसका क्या उल्लंघन है। फिर परेशान होने लगी, नहीं 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 मुझे 5 पति नहीं चाहिए। बोला, देखो 5 पति तो तुमको मिलेगा, तुमने तपस्या किया, उसका तुमने फल मांगा, वो तो दे दिया, अब तो वो कमान से बाहर चले गए, वापस तो आ नहीं सकते। तो अब बोलो, मैं एक ही काम कर सकता हूँ, तुम्हें ये आश्वासन दे सकता हूँ कि इसके बावजूद भी तुम सती कहलाओगी, तुम नारायण के साथ एक साथ मिलके धर्म स्थापना का पुनः स्थापना करोगे। मतलब शिवजी जब वरदान दिए तो साथ में उन्होंने उसका ये भी दिए कि मेरे पुत्री को तकलीफ ना हो, जो भी वो जर्नी है उसको तो कंप्लीट करना ही है,
तो धर्म स्थापना करेगी, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बना दिया उनको, छाया सीता। अब ये जो कन्या थी फिर पुनर्जन्म ली और सीधा द्रुपद के यज्ञकुंड से, अग्नि से, द्वापर युग में बाहर आई। आने के बाद सेम चीज हुआ, पांच पति मिले, माता कुंती ने आदेश दिया बांट लो, तो रोने लगी, बोली नहीं, मैं एक ही से शादी की हूँ, मैं पांचों को क्यों बांटूँ, मैं नहीं करूँगी ये वो, करने लगी। तो सखा कृष्ण आके उन्हें समझाए कि सखी आप ही ने तो मांग लिया था, तो इसलिए कहते हैं ना सोच के मांगो कि क्या मांगना है, ओवर मांग लोगे वो भी मिलेगा लेकिन सिचुएशन चेंज हो जाएगा। तो बोले अब तो निभाना ही पड़ेगा, आपने मांग लिया, आपकी जन्म हो गई, सब कंप्यूटर में फिट है, ऐसा करना ही पड़ेगा। तो बोली ठीक है, मान ली। जब सखा कृष्ण ने समझाया, समझ गई। उसके बाद तो महाभारत का जर्नी सबको पता है। अब जानते हैं अर्जुन कौन था। अर्जुन और करण के दुश्मनी क्यों, ये जो अर्जुन, ये भी बहुत सारे जन्म लिए हैं, लेकिन इसके जो मेन उद्देश्य था जन्म लेने का, नारायण और नरोत्तम, नर और नारायण विष्णुदेव के एक अवतार बन के आए। हम जानते हैं विष्णुदेव के 10 अवतार, ठीक है, जो प्योर नारायण आते हैं, मेन ट्री हो गया जो 10 अवतार है। अब ब्रांच भी होते हैं, सखाए भी होते हैं, है ना। तो इस तरीके से अर्जुन और सखा कृष्ण, जो द्वापर युग में अर्जुन और सखा कृष्ण की हम जुटी देखते हैं, दोनों मिलके युद्ध क्षेत्र में एक रथ में बैठ के रथ को चालना करते हैं और एक धनुर्धर, तो इस तरीके से वो पूरे युद्ध को अंजाम दिए थे। तो इन दोनों की जोड़ी स्ट्रांग दिखाया गया है, बहुत करीब के थे दोनों। किसी जन्म में नरोत्तम और नारायण, दो भाई, ऐसे भाई जो एक दूसरे के सोल से सोल शेयर करते थे, मतलब जैसे हम ट्विन फ्लेम में जानते हैं एक लड़का एक लड़की, वैसे ही टाइप के, लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे के, मतलब एक जान दो शरीर वाले दोनों भाई, इस तरीके से। तो जैसे हम जानते हैं सारे तत्वों से मनुष्य रूप होते हैं, तो एक में नारायण की शक्ति ज्यादा, तो एक में बजरंगबली की शक्ति ज्यादा, ठीक है, यानी कृष्ण में नारायण की शक्ति संपूर्ण और अर्जुन में बजरंगबली की शक्ति। तो बजरंगबली किसके अवतार, शिव जी के, तो अर्जुन में किसकी शक्ति ज्यादा, शिव जी के। तो दोनों का, जैसे हम देखें राम और हनुमान जी त्रेता युग में कैसे दोनों मिलके धर्म की स्थापना की है, वैसे ही द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के जोड़ी देखते हैं। तो ये दोनों, मतलब दो बॉडी एक सोल, नर और नारायण रूप में जन्म लिए दोनों भाई। इन दोनों का उद्देश्य क्या था, एक असुर था जिसके पास बहुत सारे कवच कुंडल थे, तो इतने कवच कुंडल थे वो तो सबसे महान बन सकता था पूरे यूनिवर्स का, कोई उसे मार नहीं सकते। तो ये दोनों भाई के उद्देश्य था, नर और नारायण, उसके एक एक कवच कुंडल छीनना। तो दोनों मिलके क्या करने लगे, तपस्या करने लगे और दोनों मिलके युद्ध करने लगे। अच्छा, युद्ध में एक मर जाते तो दूसरा उसको जगाते, दूसरा मर जाते तो एक उसको पुनर्जीवित करते, इस तरीके से दोनों भाई फिर जीवित हो जाते। और एक एक 1000 साल तक ये लोग ध्यान करते, शक्ति संग्रह करते और उस असुर के साथ लड़ाई करते और उसके एक एक कवच कुंडल छीनते हैं और उसकी मृत्यु होती है, फिर वो जन्म लेके आता है, फिर ये कवच कुंडल छीनते हैं। इस तरीके से कई हजारों वर्ष बीतते गए, तो ऐसे करते करते सारे कवच कुंडल छीने गए, एक बच गया था, तो एक बच गया था और एक वो लोग छीन नहीं पाए, ये दोनों नर और नारायण नहीं ले पाए। तो अब वो पेंडिंग हो गया नेक्स्ट जन्म, यानी द्वापर युग में। द्वापर युग में क्या हुआ, रणवीर करण, सूर्यपुत्र करण, हम सब जानते हैं वो कैसे जन्म लिए थे, एक कवच कुंडल के साथ। और ये जो नर नारायण, जो अर्जुन और कृष्ण बन के आए, जो शिवजी और नारायण के स्वयं अवतार थे, तो
पहले। तो ये दोनों फिर जोड़ी बना के उस असुर से अल्टीमेटली कवच कुंडल श्री कृष्ण मांग लिए और अर्जुन ने वध कर दिए, लेकिन श्री कृष्ण को बहुत प्रेम था। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बनाते हैं, एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये ट्विन फ्लेम स्प्लिट कैसे होते हैं और कैसे अलग अलग ट्विन सोल्स बन के आते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।